चलिए बात आप पानीपत की कर लेते हैं, जहां पानीपत में एक शादी समारोह में हर्ष फायरिंग हुई। इस हर्ष फायरिंग में एक युवक की मौत हो गई। इन तस्वीरों को आप गौर से देखिए। अब आपको बताएं कि युवक की मौत के बाद उसके परिजनों ने साजिश हत्या के आरोप लगाए हैं। इस पूरे हादसे का एक वीडियो भी सामने आया है, इसमें हर्ष फायरिंग के दौरान गोली लगने के बाद युवक नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। मृतक के भाई संदीप ने बताया कि उसका भाई अरविंद जिस समारोह में शामिल होने गया था वो उन्हें जानता तक नहीं था। हत्या की साजिश के तहत उसे गांव बुढ़श्याम के रहने वाले निशांत और दीपक घर से बुलाकर ले गई थी। साथ ही साथ आपको बताएं कि शादी समारोह में इस घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पानीपत के सामान्य अस्पताल में भिजवा दिया है। वहीं जब परिजनों को वारदात का पता चला तो काफी संख्या में पानीपत के अस्पताल में जुट गए। फिलहाल पुलिस इस मामले में जुटी हुई है। ये शादी में गए हुए थे और एक साजिश के तहत ये काम हुआ है। ये दीपक नाम का लड़का है क्या, जो वहाँ गांव बुढ़श्याम से है। एक उसका भाई है निशांत। दोनों ने निशांत की बोल चाल भी नहीं थी पहले हमारे से, तो आज सवेरे वो किसी साजिश के तहत मेरे घर से उसको बुला के लेके गया है और उसके बाद ही वहाँ जाके ये उन्होंने काम किया। हाँ, एक आरोपी को पुलिस ने पकड़ लिया, एक अभी फरार है।